माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे रात का डिनर। तो मैं डिनर में बना रही हूँ मसाले भात और कढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा कोथिंबीर और ये मिंट लीव्स है, ये थोड़े सूख गए हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज का एक टमाटर काट लिया है रखे थे, वो एक कटोरी, थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट। हम आलू कम डालते इसलिए मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है। आप चाहे तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लावर, बीन्स वगैरह वो आप डाल सकते हैं, कैरेट्स वगैरह, बट हम वो नहीं यूज करते और अभी लॉकडाउन है तो वो अवेलेबल भी नहीं है। एक तेज पत्ता, इलायची, ब्लैक पेपर, काली मिरी, सहाजीरा, लौंग, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और नमक और तेल। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब मैं मसाला बनाऊंगी। ऑन कर लिया। हम यहाँ कुकर का यूज करते हैं, आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। और मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ। मैंने इस चम्मच से 6 चम्मच ऑयल लिया है। हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, एक इलायची, 2 से 3 काली मिरी, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सहाजीरा, 2-3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और मसाले को पकने देंगे। डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हमारे खड़े मसाले भून के हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, साथ ही में करी पत्ता, अब हम इसमें डालेंगे मसाला, ये अदरक लहसुन और कोथिंबीर और थोड़ा सा जीरा का मसाला है, वो डालेंगे हम। इसको धीमी आंच में पकने देंगे। एक नींबू का रस निकाल लेती हूँ। मसाला हमारा पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने यहाँ एक आलू का यूज किया है, आप चाहे तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और टमाटर डाल देंगे। और इसे थोड़ी देर पकने देंगे धीमी आंच पे। अब हम इसमें डालेंगे वटाने। मैंने 1 कप वटाने का यूज किया है।
अब हम इसमें डालेंगे मिंट लीव्स एंड थोड़ा सा कोथिंबीर। अब इसमें जाएंगे मसाले। पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। शाही बिरयानी मसाला में भी सारे खड़े मसाले होते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे, एक चम्मच जितना, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस कटोरी से 7 कटोरी चावल ली है, क्योंकि हमारे घर में हम सिर्फ चावल ही बना रहे हैं, रोटी वगैरह नहीं बना रहे, तो हम 5 मेंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस कटोरी से 7 कटोरी ली है। अब हम इसको धो के रख लेंगे, साफ़ पानी से 2 या 3 बार धो लेंगे, और हम पानी भी इसी कटोरी से मेज़र करके डालेंगे। मसाला हमारा रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। हाँ, मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे राइस जो हमने धो के रखा था। तो कटोरी पानी ऑलरेडी डाला है, और इसमें 1 कटोरी जब हम राइस धोते हैं उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, तो उसमें 1 कटोरी यानी 3 कटोरी पानी हो गया है। अब हम इसमें 10 कटोरी पानी और डालेंगे, पर मेजरमेंट करके ही डालिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो चावल ज़्यादा पक जाएगा। अब हम ये 10 कटोरी पानी इसमें डाल देंगे, इसमें पहले से हमने 3 कटोरी डाला था। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सारे मसाले चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम आंच पे 2 सीटी होने देंगे और धीमी आंच में 5 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम कढ़ी बना लेंगे। थोड़ा सा दही लिया है, इसमें 2 चम्मच बेसन, 2 हल्दी, 2 इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एक चम्मच ऑयली बस है कढ़ी के लिए। अब हम उसमें डालेंगे लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची 2 से 3। अब हम दही और बेसन का घोल इसमें डाल देंगे और हम छान के डालेंगे, ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहे, नहीं तो कढ़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नींबू सट यानी साइट्रिक एसिड, आपके पास अवेलेबल होगा तो डालिए। हम दही खट्टा नहीं था इसलिए हम चुटकी भर डालते हैं, अगर दही खट्टा है तो आप नहीं डालिए। और इसे अच्छे से उबाल लीजिए 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे, नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगी। हमें धीमी आंच में इसे पकाना है अच्छी तरह से, और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अब हमारा चावल पक गया है, कुकर भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी, सारे मसाले को एक बार मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती, काट लेना गार्निश के लिए। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो दही के साथ या फिर दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे कढ़ी के साथ खाते हैं। कढ़ी के साथ इसका मज़ा ही अलग आता है। अब हम कढ़ी सर्व करेंगे, पर याद रखिए कि कढ़ी गरम गरम ही पीने को अच्छी लगती है या फिर खाने को अच्छी लगती है, तो उसे खाने या पीने से पहले थोड़ा गरम कर लीजिए, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा मसाला भात और कढ़ी तैयार है। आप भी ये रेसिपी घर में ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।